ये क्वेश्चन 5 जो है ये क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने ओसवाल सैंपल पेपर से लिया है, ये ओसवाल सैंपल पेपर की बुक है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2013 को दे चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, ये देखिए गिवन फिगर दिया हुआ है, डी एंड ई ट्राइसेक्ट बी सी। जो डी और ई है वो क्या कर रहा है, जो बी सी को है ना ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि तीन इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। डी और ई ये पॉइंट इस तरीके से बी सी पर है कि ये बी सी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए आपने बाइसेक्ट भी सुना होगा, बाइसेक्ट क्या करता है, कोई लाइन बाइसेक्ट होती है उसका मतलब है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। उसी तरह से होता है ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब है कि डी और ई पॉइंट ने बी सी लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब ये है। तो यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 8AE² = 3AC² प्लस 5AD² हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर मैं ये बना देती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल का साइन जो है, ठीक है, 90 डिग्री ये बी पर, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का यहाँ बना है, इसमें नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जो है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डायग्राम यहाँ बना लेती हूँ, डायग्राम दिया हुआ है, गिवन है, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ बना देती हूँ। ये मेरा ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बनना है एंगल। अच्छा, बी और सी पर पॉइंट क्या है, डी और ई, ठीक है ना, ये डी और ई इस तरीके से है इस बी सी पर, इसने बी सी को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कि बी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई सी, ये तीनों जो ये तीन पार्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों इक्वल है, इक्वल लेंथ के है, ठीक है ना, ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है। अच्छा, अब ये यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, तो चलिए ए डी को मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया और ए ई को यहां पर मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये देखिए क्या है, 8AE² = 3AC² + 5AD² हमें ये प्रूफ करना है ना, 8AE² = 3AC² + 5AD², ठीक है। तो चलिए मैं किताब हटा देती हूँ और मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो यहां ये गिवन है कि एबीसी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो यहां पर देखिए आपको इसमें ये एक पहला ट्रायंगल हमारा क्या है, एबीसी, इस एबीसी के अंदर आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, पहला देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी डी, एक ये ट्रायंगल हो गया राइट एंगल, ये राइट एंगल बी जो है सब में कॉमन आएगा, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए तो दूसरा क्या बनना है, ए बी ई, दूसरा ये बनना ट्रायंगल, और तीसरा क्या बनना, तीसरा क्या है हमारा ए बी सी, ठीक है ना। तो मैं हर ट्रायंगल को अलग अलग डायग्राम में बना के पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगी। तो पहला मैं ट्रायंगल कौन सा ले रही हूँ, ए बी डी, तो मैं यहां लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, तो मैं केवल ए बी डी का ही बनाऊंगी, तो ये रहा मेरा ए बी डी का, ए बी और ये डी, ठीक है, यहां पर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, इससे पहले एक चीज और हमें बतानी है कि यहाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि जो डी और ई पॉइंट है, ये देखिए क्वेश्चन में, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में बता दिया है कि डी और ई क्या कर रहा है, बीसी को ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये तीनों जो है इक्वल पार्ट के हैं, तो डी और ई को ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई सी, यही तो होगा ना, ये सब इक्वल होंगे ना, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या मान लिया, ये सब इक्वल लेंथ के हैं, तो हम इसको लेट एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो बी सी है, ये पूरा बीसी, बीसी किसके बराबर होगा, बी डी प्लस डी ई प्लस ई सी, यही होगा बीसी, क्या होगा, बी डी प्लस डी ई प्लस ई सी, ठीक है। और बी डी एक्स है, डी ई भी एक्स के बराबर है, और ये भी एक्स के बराबर है, ठीक है, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, 3x, यानी कि हमारे पास जो बी सी होगा वो क्या होगा, बी सी, ये देखिए बी डी, ये बी सी क्या है, बी डी प्लस डी ई प्लस ई सी के बराबर है, तो एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीनों को x माना है, तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x, तो यहाँ से ये जो bc मिला है वो bc किसके बराबर है, 3x, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, और bc 3x हो गया। और देखिए यहाँ पर ये जो be है हमारा be, ठीक है ना, be, जैसे मैंने bc निकाला bd प्लस de प्लस ec, उस तरह से be हमारा किसके बराबर होगा, be इक्वल टू bd प्लस de के बराबर होगा, ये bd प्लस de होगा ना इसके बराबर, be जो है bd प्लस de, लिख दिया। अच्छा, बी डी किसके, बी डी को मैंने क्या माना, आप देख सकते हैं ये सबको मैंने एक्स माना है, तो इस बी डी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस डी ई, तो देखिए डी ई भी एक्स के बराबर है, हमने एक्स क्यों माना है, क्योंकि तीनों का लेंथ जो बराबर, इसलिए मैंने उसको एक्स मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x, तो यहां से हमारे पास क्या आया, बी ई इक्वल टू 2x, ठीक है, बी 2x, बी सी 3x, ठीक है, और
हमारा ये जो तीनों है वो x के बराबर है। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, ठीक है ना। ये तो हमारा इसको तो लिखना है हमें, ठीक है। तो अब मैंने कौन सा ट्रेंगल यहाँ पर लिया, आप देख सकते हैं ट्रेंगल ए बी डी, ठीक है ना। तो मैंने इसका यहाँ डायग्राम बना दिया। तो क्योंकि एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हाइपोटेनस है, एडी लॉन्गेस्ट साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी एस, बेस क्या है बी डी, बी डी का स्क्वायर इसी के बराबर होगा ना ये। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ये बी डी स्क्वायर है। देखिए ये बी डी है ना, यहाँ पे बी डी को हम देखिए यहाँ बी डी को क्या माना गया है, बी डी इक्वल टू डी इक्वल टू इसी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो इस बी डी की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स, ठीक है ना, क्योंकि बी डी किसके बराबर है एक्स के बराबर है। तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बी डी स्क्वायर यानी कि एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बी डी एक्स है तो बी डी स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप बॉक्स के अंदर रख लीजिए, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रेंगल कौन सा लेंगे, जिस तरह से हमने ए बी डी लिया था यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्रेंगल बनना है ए बी और ई, ए बी ई। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देती हूँ, ये ए है ये बी है और ये मेरा ई है, ठीक है। आप देख सकते हैं ए बी ई भी एक राइट एंगल ट्रेंगल बनना है, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो ये ए ई क्या है हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए ई स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है ए बी स्क्वायर प्लस अब बेस क्या है बी, तो बी का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। अच्छा ए ई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस ये देखिए बी ई स्क्वायर है, क्या लिखा हुआ है बी ई स्क्वायर। तो बी देखिए किसके बराबर है, ये बी हमने निकाला ना 2x के बराबर है, तो ये बी की वैल्यू है। तो पहले बी की वैल्यू 2x लिखी और यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कीजिए 2x का होल स्क्वायर, दो पहले 2 को दो बार इंटू कीजिए, तो 2 को दो बार इंटू करेंगे 2 2 4 और x को भी दो बार इंटू कीजिए तो x इंटू x क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया ए ई स्क्वायर। तो इसको आप बॉक्स के अंदर कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब ये भी ये ट्रेंगल हमने पहले लिया, फिर उसके बाद हमने ए बी ई लिया, अब कौन सा बड़ा ट्रेंगल आ रहा है ए बी सी, ठीक है ना। बड़ा वाला ट्रेंगल आ रहा है तो इसको मैं बना देती हूँ यहाँ पर ए, ये ए है ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये वाला ट्रेंगल सबसे बड़ा ए बी सी, ये भी तो एक ट्रेंगल बना ना राइट एंगल ट्रेंगल, तो मैंने यहाँ बना दिया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ए सी क्या हाइपोटेनस, तो यहाँ पर ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है बी सी, तो बेस का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम में यही यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ये देखिए बी सी स्क्वायर है ना, तो बी सी क्या बी सी यहाँ पर कितना है 3x, आप देख सकते हैं 3x, तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू 3x और स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, अब 3x का होल स्क्वायर, तो पहले 3 को दो बार इंटू कीजिए 3 3 9, फिर x को दो बार इंटू करेंगे तो x इंटू x क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास आए हैं, ठीक है ना, तीन ट्रेंगल जो बने हैं, तीन ही ट्रेंगल आपको इसमें नजर आ भी रहे हैं, तीन ही ट्रेंगल है, ठीक है ना। तो तीनों ट्रेंगल का हमने अलग अलग डायग्राम बना दिया है और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ पर इक्वेशन जो है तीन इक्वेशन आई है, एक ये और ये। अब मैं इन तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेती हूँ, पहला ये है ना, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। पहला क्या है ए डी स्क्वायर, ये देखिए ये इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर, मैं इसको लिख देती हूँ, एक ये आया है इक्वेशन। दूसरा देखिए ये आया है ए ई स्क्वायर इक्वल टू ये देखिए क्या है ए बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तीसरा देखिए ये आया है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है ए बी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गए, अब हमें प्रूफ क्या करना है ये देखिए, हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है ये देखिए 8 ए स्क्वायर इक्वल टू 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको ए डी ये ए स्क्वायर है, देखिए ये दिख रहा है ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर है, यहाँ पर भी दिख रहा है ए सी स्क्वायर और ये ए डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए डी स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 8 से इंटू है ना, ए स्क्वायर में 8 है इंटू, तो आप ए स्क्वायर वाला इक्वेशन लिखिए। ये पहले मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको थर्ड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ट्रिक बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए सब ये तीनों टर्म है इसमें, है ना, ये तीनों टर्म यहाँ इसमें भी आ रहे हैं, ये तीनों टर्म ये हैं यहाँ पर भी आ रहे हैं। अब देखिए ए स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है 8,
तो ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको हम इस पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमें प्रूफ करना है उसी से हम समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो ये वाला इक्वेशन है, सेकंड वाला, इसको हम किससे इंटू करेंगे, 8 से। कैसे समझेंगे, कैसे समझा हम, कैसे हम समझेंगे इसको, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर के साथ 8 इंटू में। तो हम यहां लेते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 8, ठीक है ना। तो ये सेकेंड इक्वेशन 8 है, तो पहले ये इक्वेशन लिखिए आप, ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये है। इसको इसको किससे इंटू करेंगे, 8 से। तो 8 से इंटू करेंगे, तो ये 8 से इंटू कीजिए, इस तरीके से लिखेंगे, ये 8 जो है सबसे इंटू होगा। तो 8 से इसको इंटू कीजिए तो क्या आएगा, 8 ए स्क्वायर इक्वल टू 8 से ये भी इंटू होगा, ए बी स्क्वायर, तो 8 ए बी स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है वो 8 से इंटू होगा, प्लस 8 से ये इंटू कीजिए तो 8 फोर जा 32 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आया हमारे पास, ठीक है ना। अब 8 से हमने ए ये वाला इंटू कर दिया। अब दूसरा ये कहा जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है ए सी स्क्वायर, लेकिन इसके साथ क्या इंटू है, 3 ए सी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ए सी स्क्वायर वाला ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू है, तो हम ये जो इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड माने, इसको हम 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 3, 3 का 3 से क्यों इंटू करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ, 3 ए सी स्क्वायर, इसको तो इसलिए हम इस इक्वेशन को 3 से इंटू कर देंगे। तो पहले जो इक्वेशन है उसको लिख दीजिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब इसको हम किससे इंटू करेंगे, 3 से, देखिए 3 से इंटू हो गया, अब इंटू कीजिए तो 3 के 3 से इसको इंटू करेंगे, 3 ए सी स्क्वायर, 3 को इससे इंटू करेंगे, 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 को 9 से इंटू करेंगे, तो 3 9 जो 27 और ये एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसको 8 से इंटू हो गया, ए भी 3 से इंटू हो गया, अब ये क्या है ए डी स्क्वायर, किससे इंटू है, देखिए इसके साथ 5 इंटू है, तो ए डी स्क्वायर वाला टर्म कौन सा, ये देखिए ये वाला है फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई है, तो इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई किससे, 5 से बाई 5। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है, ठीक है ना। तो इसको हम किससे इंटू करेंगे, 5 से, 5 से इंटू कर दिया, तो ये क्या आएगा, 5 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 5 से ये भी इंटू होगा, 5 ए बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये इससे इंटू होगा, तो 5 से एक्स स्क्वायर इंटू होगा, तो ये आएगा, ये आ गया हमारे पास, सब आ गया हमारे पास। ये देखिए सबको इंटू कर दिया, 8 ए स्क्वायर वाला आ गया, 3 ए सी स्क्वायर और 5 ए डी स्क्वायर। अब जो प्रूफ करना है हमें, प्रूफ में क्या बोला है, देखिए आरएचएस पर ध्यान दीजिए, आरचेस क्या बोला, 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 3 ए सी स्क्वायर ये है और 5 ए डी स्क्वायर ये है, तो इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान लेती हूँ और इसको इक्वेशन 5। तो यहाँ पर देखिए ये 3 ए सी स्क्वायर और 5 ए डी स्क्वायर दोनों ऐड है, तो हम ये दोनों इक्वेशन जो है फोर्थ वाला इक्वेशन और ये फिफ्थ इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करेंगे, तो देखिए एलएचएस में जो है पहले एलएचएस वाले को एलएचएस से ऐड करेंगे, तो एलएचएस हमारा क्या है, 3 ए सी स्क्वायर प्लस ये भी एलएचएस में है 5 ए डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एलएचएस को एलएचएस के साथ, फिर इक्वल टू आरएचएस को आरएचएस के साथ। तो देखिए आरएचएस में देखिए ये क्या है, 3 ए बी स्क्वायर प्लस 27 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया प्लस, और ये आरएचएस इसका है इस इक्वेशन का, 5 ए बी स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन ऐड किया है, क्यों ऐड करने से 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर होगा, ये कैसे समझा हमने, क्योंकि आरएचएस में देखिए क्या है, 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर, ये कब आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए ये टर्म आ गया ना, अब ये टर्म आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करके हम क्या लेकर आएंगे, 8 ए स्क्वायर के बराबर करेंगे, इतना टर्म तो आ गया ना हमारा ये, और ये लेकर आना है, तो ये इसमें से आएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो देखिए ये इसके साथ ये ऐड हो गया, एलएचएस से एलएचएस को ऐड कर दिया, फिर आरएचएस में ये है ये टर्म और ये टर्म ऐड कर दिया, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया 3 ए बी स्क्वायर प्लस 27 एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस 5 ए बी स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका टू ये देखिए ये इधर लिखते हैं हम 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर, अब देखिए 3 ए बी स्क्वायर और 5 ए बी स्क्वायर, ये भी प्लस है, ये देखिए प्लस है, तो ये दोनों यहाँ ए बी स्क्वायर दोनों में है, तो दोनों ऐड कर दीजिए, तो 5 और 3 8 और ए बी स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ये देखिए 27 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 5 एक्स स्क्वायर है, ये देखिए ये वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर दोनों में सेम है, तो ये दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 27 और 5 क्या होगा, 32 एक्स स्क्वायर, यही होगा ना दोनों जोड़ने पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये 8 ए बी स्क्वायर प्लस ये 32 को हम 8 4 जा 32 ले सकते हैं,
8 इंटू 4, 32 को मैंने लिख दिया और एक्स स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में क्या इंटू है, तो प्लस के इधर और इधर देखिए इन दोनों में क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है, एक ये टर्म है और एक ये है। इसमें भी देखिए आपको 8 दिख रहा है और यहाँ पर भी 8 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 8 बाहर निकाल लेंगे हम कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस ये 8 तो बाहर निकल गया, तो क्या बच रहा है 4 एक्स स्क्वायर यही बच रहा है हमारे पास, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ 32 को मैंने 8 इंटू 4 लिख दिया, ठीक है ना। फिर ये प्लस के दोनों साइड यहाँ पर भी 8 है यहाँ पर भी 8 है, तो कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा ए बी स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ 3 ए सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म आप लिखते हुए चले जाएंगे, 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 8, यहाँ पर देखिए ये लिखते हुए जाइए, ये यहाँ पर मैं कॉमन बना देती हूँ ये, ठीक है ना। तो ये कितना आया 8 ए बी स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर ये आया, ठीक है। तो 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए टी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर किसके बराबर, यहाँ देखिए आया है, ये देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर ये क्या आ रहा है आप ब्रैकेट के अंदर देखिए ए बी स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, देखिए ये टर्म आ रहा है ना, और ये किसके बराबर है ए ही स्क्वायर के बराबर है, कि ये इंटू है इंटू, और ये टर्म है ये किसके बराबर है ए ई स्क्वायर के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ए ई स्क्वायर, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8, और इस दोनों इंटू कीजिए तो 8 ए ई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमें यही प्रूफ करना था आ चुका है, 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8 ए स्क्वायर, ये इक्वल टू है तो इसको आप रीअरेंज कर दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो कोई भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 8 ए स्क्वायर 8 ए स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, इसको यहाँ बाद में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये भी सही है, ये भी दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जहाँ ना समझ में आया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।